नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये 37 साल में आलू की खुदाई चल रही है और इस खेत में इतना आलू निकला है कि जो मैंने पहले वीडियो डाली है वो किसी खेत में इतना आलू नहीं निकला है और इसमें करीब 80-90% मोटा है, जो कि आप देख पा रहे हो। और किसान भाइयों, मैंने इसमें मशीन के आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपको नज़दीक से काफ़ी वीडियो अच्छी दिखने वाली है। तो चलिए देखिए इस वीडियो को। जैसे कि किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो, ये देखिए काफ़ी शानदार आलू निकल रहा है। और किसान भाइयों, अब तक जो मैंने वीडियो डाली है उनमें सबसे ज़्यादा इसी खेत में आलू निकला है। और ये हमारे मुस्लिम भाई हैं और इनके खेत में मैं रुका था और आलू खुदाई चल रही थी, तो यहीं पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अभी देखो, नज़दीक से दिखाऊँ। देखो ये है किसान भाइयों, इसमें एक दो गुल्ला या करी दिख रहा है, मोटा मोटा साइज ज़्यादा दिख रहा है। और किसान भाइयों, ये भी बेड है, जबकि कुछ बोल रहे हैं कि बेड में आलू कम फूला है। तो किसान भाइयों, वो सारी जानकारी या सारी बात तो हम बाद में करेंगे, वीडियो के बाद में, यानी ये सारी वीडियो ख़त्म होने के बाद में बात करूंगा कि पैदावार क्यों किसान भाइयों की नहीं आई है और क्या कार्ड रहा है और किस विधि से ज़्यादा पैदावार आई है, बेड विधि से या सिंगल बुल से। तो किसान भाइयों, आप कहाँ से हो नीचे कमेंट में बता सकते हो और आपके यहाँ लगभग किस चीज़ में ज़्यादा पैदावार आ रही है, बेड में या सिंगल में, तो आप सारा कुछ बता सकते हो। तो किसान भाइयों, अभी तो देखना, अभी तो आपको काफ़ी आगे बताना है, अभी तो बहुत ज़्यादा जानकारी देनी है। किसान भाइयों, ये देखिए, ये केवल थोड़ी सी 2-3 लाइन इन्होंने बीनी है और ढेर का ढेर लग गया है। तो किसान भाइयों, इसमें करीब अगर 50 से ऊपर ही एवरेज आएगा मेरे हिसाब से, तो जैसे कि आपको मुझे लग रहा है 50 का एवरेज तो आराम से आ ही जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, यानी वीडियो जो बना रहा हूँ, तो आपको भी मेरा थोड़ा सहयोग करना चाहिए। क्या करना है आपके लिए कि जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाल बटन पे जो सब्सक्राइब लिख रहा है उसको दबा दीजिए, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को या मेरी ज़्यादातर जो आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ यार लाइक तो किया करो। आपको कुछ नहीं जाता ना सब्सक्राइब करने में ना लाइक करने में, और सब्सक्राइब करने में तो आपके लिए आता ही है। अगर आपके लिए सब्सक्राइब कर लोगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए सबसे पहले दिखेंगी, साथ में बेल भी दबा के रखना। तो जैसे कि किसान भाइयों देख पा रहे हो, शुरुआत से ही देखना कितना मोटा आलू ये निकल रहा है शुरुआत से ही। तो ये किसान भाइयों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपने आलू की खुदाई अपने यहाँ देखी है, तो मोटा मोटा आलू निकलता है तो कट्टे ज़्यादा भरते हैं, यानी जो पैकेट होते हैं आलू के वो जल्दी जल्दी भरते हैं, तो इससे एवरेज ज़्यादा आता है। आलू तो मोटा है, आलू तो सही है मोटा। और किसान भाइयों, जैसे कि मैंने इनसे अभी बात की, तो ये बोल रहे हैं कि अरे कुछ नहीं है। तो किसान भाइयों, पेट तो किसी का नहीं भरता है, कितना भी माल निकल आए। और किसान भाइयों देखो, जैसे मैंने इनसे बात की उस लैंग्वेज में, तो किसान भाइयों गांव में गांव की सी लैंग्वेज का ही यूज करना चाहिए, ठीक है किसान भाइयों। और ये किसान भाइयों, एक बात आपको नोट करनी चाहिए कि जो आलू निकल रहा है वो तो आप देख रहे हो कि काफ़ी मोटा निकल रहा है, बड़ी आलू निकल रहा है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि आलू के जो पौधे में जो आलू निकल रहा है वो कम निकल रहे हैं आलू, यानी जो आलू का एक पौधा होता है उसमें इसमें आलू की जो संख्या है वो कम निकली है, लेकिन आलू तो काफ़ी मोटा फूला है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर किसान भाइयों आप जो देखोगे ना नज़दीक से, जैसे कि अभी मैं इनको तुम्हें दिखाऊंगा, ये देखिए ये आलू दूर दूर है, यानी आलू तो मोटा है लेकिन आलू कम है। ये देखिए, अगर ऐसा आलू होता तो करीब 70 का एवरेज था, और इसमें देखिए सारे मोटे किसान भाइयों, इसमें सारे ही मोटे आलू हैं, एक भी कोई पतला आलू नहीं, सारे मोटे आलू हैं। तो किसान भाइयों देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका एवरेज कितना आ रहा है, और नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिए। और किसान भाइयों, जो मैं वीडियो बना के ला रहा हूँ वो आपके लिए थोड़ी कैसी लग रही है ये भी बता दीजिए मुझे, कि मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरे किसान भाइयों को थोड़ा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब तक तो किसान भाइयों आपने दूर से आलू देखा है, अब देखिए पास से एक धब्बा आया है इस आलू में, ये देखिए चित्ती टाइप का आया है, ये देखिए अब देख रहे हैं ये छेसा या मकोही जैसा पता नहीं क्या है ये देखिए। तो ये किसान भाइयों, इसने थोड़ी साइनिंग को ख़राब कर दिया है। अरे अब तो ना कहीं से किसान को काम टाइम पे होना चाहिए, पाउस होना चाहिए। और किसान भाइयों, ये देखिए इनकी घर की लेबर काम कर रही है। तो किसान भाइयों, गांव के सारे खेत है, इसको बारे का भी बोल सकते हैं, इसीलिए शायद पैदावार आई हो। और ये देखिए किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो पूरी लाइन टू लाइन पड़ा है, और एक एक लाइन इसकी खुद गई है, एक छोड़ के एक को, और एक अभी इसको बिनने के बाद खुद जाएगी। तो किसान भाइयों, ये आपके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है ये कैसी लगी है आपके लिए, ये आपको कमेंट में बताना है। और इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके चलिए, काफ़ी अच्छी और वीडियो आने वाली हैं। और चलिए जाते जाते टाइम किसान भाइयों, एक नज़दीक से आपको दिखाते जा रहा हूँ,
ये देखिए इसमें देखिए मोटा मोटा ज़्यादा है और गुल्ला थोड़ा कम है, और किर्री तो साइज अभी इसमें दिखी नहीं है मुझे, कमी दिखी है। अगर इस 8 बीघे में एक पैकेट या दो पैकेट निकले हैं तो काफ़ी है किसान भाइयों। तो ये देख रही हो, और ये देखिए सड़क के अंदर किसान भाइयों कितना आलू निकला है, ये देखिए। अगर ऐसा आलू होता तो करीब ये आ जाता 60-70 का एवरेज, कम से कम 70 का एवरेज जा सकता था। और किसान भाई ये जो सड़क के किनारे जो आलू निकला है वो क्या होता है कि जब हमारे जो आंतरे या हम साइड बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे जब आलू का बीज डबल हो जाता है, क्योंकि आलू की बुवाई चलती है तो उनको एक करने के लिए आलू की 2 या 3 लाइन और बनाई जाती है, तो उससे आलू एक सार हो जाता है। तो किसान भाइयों ये जो मेरी वीडियो ये आपके लिए कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए, और किसान भाइयों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, थैंक यू।